नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज जो है हम कुछ दवा का नाम बताएंगे और उसका जो है बेजोड़ रिजल्ट के बारे में बताएंगे। जैसे कि यह कैरस कंपनी का जो दवा आता है जैकसॉट नाम से, उसके बाद मैनकाइंड कंपनी का दवा आता है टिक्साब्लिट नाम से, उसके बाद एम ब्लॉक नाम का दवा आता है ट्रेका कंपनी का। यह तीनों दवा जो है पशु को कौन कौन सी परेशानी में दिया जाता है, इसका कितना डोज है, इसके बारे में आज हम अभी आपको हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि यह जो तीनों दवा है पशु को कौन कौन सी परेशानी में दिया जाता है। तो सबसे पहले साथियों, जहाँ पर पशु को किसी भी वजह से कट गया है या फट गया है, या फिर जो हम ऑपरेशन करते हैं, घाव को चीरते हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वह ब्लड को रोकने के लिए यह तीनों दवा में से कोई एक दवा दिया जाता है पशु को, तो उसका जो ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा ब्लीड होने लगती है, तो वह ब्लीडिंग कम हो जाएगी। सबसे जो मेन रोल है पशु को, जहाँ पर ऑपरेशन करते हैं और ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, अत्यधिक मात्रा में हो रही है, तो वहाँ पर यह अगर दवा देते हैं पशु को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसका ब्लीडिंग बहुत जल्दी रुक जाएगी। उसके अलावा साथियों, जहाँ पर प्रोलैप्स बाहर हो जाती है, प्रोलैप्स कहने का मतलब बचदानी बाहर हो जाती है, कभी कभी किसी पशु में ऐसा होता है कि उसका बचदानी पूरे बाहर आ जाती है, और उसको जब हम अंदर चढ़ाते हैं, उस यूटेरस को, बचदानी को अंदर की ओर हम करते हैं, अंदर फिर से एडजस्ट करते हैं बचदानी को, तो क्या होता है कि उसमें नाखून या फिर किसी और वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। तो वैसी कंडीशन में भी यह जो दवा है टेक्साब्लिट या एम ब्लॉक या जैकसॉट, यह तीनों में से कोई एक दवा देते हैं तो उसके जो यूटेरस है, बचदानी है, उसमें से जो ब्लीडिंग हो रही है वह ब्लीडिंग बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा साथियों, जहाँ पर हम पशु को डिलीवरी कराते हैं, पशु को हम बच्चा निकालते हैं, पशु जब अपने आप बच्चा नहीं दे पाती है, तो वैसी कंडीशन में हमको हाथ दे करके बच्चा निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर भी ब्लीडिंग होने लगती है। जब हम पशु को ज़बरदस्ती करके बच्चा निकालते हैं तो उसका भेजाइना जो है, वह भेजाइना कहीं ना कहीं फट जाती है थोड़ा बहुत, तो वैसी कंडीशन में ब्लीडिंग आने लगती है और अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगती है। तो वैसी परेशानी में भी यह जो दवा है एम ब्लॉक, टेक्साब्लिट या जैकसॉट, तीनों में से कोई एक इंजेक्शन अगर आप अपने पशु को देते हैं, जो जिस पशु को बच्चा निकाले हैं, भेजाइना फट गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी बहुत बेटर रिजल्ट, आपको 10 से 15 मिनट में उसका ब्लीडिंग बंद कर देगी। उसके अलावा साथियों, जहाँ पर हम प्लेसेंटा निकालते हैं पशु को, प्लेसेंटा कहने का मतलब जिसे जड़ कहते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा और हिंदी में जड़ कहते हैं, बच्चा देने के बाद जो प्लेसेंटा निकालते हैं, हाथ देकर के प्लेसेंटा निकालते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी पशु को कहीं ना कहीं अंदर हाथ देने और बाहर करने की वजह से जो है ब्लीडिंग होने लगती है। तो वैसी परेशानी में भी यह अगर जैकसॉट या टेक्साब्लिट या फिर जो एम ब्लॉक है, तीनों में से कोई एक दवा पशु को देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि पशु जब हीट में आती है, और हम एआई कर लेते हैं, पशु को एआई करने जाते हैं, और सही ढंग से अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते धोखा से अगर उसके यूटेरस में या फिर भेजाइना में जो हम गन डालते हैं अंदर की ओर, वह गन भेजाइना में या फिर यूटेरस में थोड़ा बहुत चोट पहुंचा देते, जखन पहुंचा या फट जाती है जो गन देते हैं, तो उसके वजह से भी है ब्लीडिंग पशु को होने लगती है। तो वैसी परेशानी में भी
यह टेक्साबिलिट पशु को अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्द उसका जो ब्लीडिंग है वह बंद हो जाएगी। उसके साथ साथ कभी कभी पशु को ऐसा भी देखा जाता है कि पशु डायरिया करने लगती है, डायरिया, और उसमें डायरिया में ब्लड आने लगती है। डायरिया कहने का मतलब पशु पतला पैखाना करने लगती है, पतला पैखाना करने लगती है और उस पतला पैखाना में जो ब्लीडिंग आने लगती है, ब्लीडिंग जब पतला करे पैखाना करेगी पशु तो आपको लगेगा कि पशु को पैखाना में ब्लड भी आ रहा है, खून भी आ रही है, जिसे हम खूनी डायरिया कहते हैं। तो वैसी परेशानी में भी यह टेक्साबलीट या एम ब्लॉक या फिर जैकसॉट, तीनों में से एक दवा अगर पशु को देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए साथियों आपको बताते हैं यह जो तीनों दवा है इसको कितना मात्रा में देना है, कितना डोज है। तो सबसे पहले आते हैं यह जो टेक्साबिलिट है मैनकाइंड कंपनी का, यह जो दवा है अगर बड़ा जानवर है 4 क्विंटल के करीब है तो उसको आपको 20 ml यह इंजेक्शन आपको देना है, आई एम ओनली देना है। और इस जो टेक्साबिलिट है इसको IV भी दे सकते हैं, IM और IV दोनों दे सकते हैं, IM और IV दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इंजेक्शन आपको बता रहे हैं जैकसॉट, बड़ा जानवर है 4 क्विंटल के करीब है, यह जैकसॉट भी सेम उसी तरह बड़ा जानवर है 4 क्विंटल के करीब, तो आपको 20 ml पूरा आपको एक बार दे देना है। यह दवा जो है 20 ml देना है, IM दीजिए यह दवा को। साथियों अगर उसी तरह छोटा जानवर है 2 क्विंटल के करीब तो 10 ml देना है, चाहे आप एम ब्लॉक जैकसॉट दीजिए या टेक्साबिलिट दीजिए, उससे भी छोटा पशु है 1 क्विंटल के करीब तो 5 ml। उसी तरह जो एम ब्लॉक नाम का जो दवा है, यह दवा भी आपको अगर 4 क्विंटल के करीब पशु है तो उसको 20 ml देना है, छोटा पशु है 2 क्विंटल के करीब तो 10 ml देना है, अगर उससे भी छोटा पशु है 1 क्विंटल के करीब तो आपको 5 ml देना है। यह एम ब्लॉक इंजेक्शन भी आप IM और IV को दोनों दे सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब पशु को मांस और नस दोनों में यह दवा दे सकते हैं। तो साथियों मेरा यह वीडियो जो जैकसॉट, एम ब्लॉक और टेक्साबिलिट के बारे में आपको बताए हैं, यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा या नहीं रहा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।